राजस्थान की टीम से 15 रन से हारने के बाद ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने लगाया 5 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। दोस्तों आप भी जानना चाहते हो ऋषभ पंत को आखिरकार इतना बड़ा जुर्माना क्यों लगाना चाहता है बीसीसीआई? इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2022 का 34वां मुकाबला राजस्थान और दिल्ली के बीच में स्टार्ट हुआ, जिसमें राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 222 रन का बड़ा टारगेट बना दिया और 223 रन चाहिए थे दिल्ली को जीत के लिए, जिसमें दिल्ली की टीम मात्र 207 रन बना पाई 20 ओवर में और राजस्थान ने इस मुकाबले को 15 रन के अंतर से जीत लिया। दोस्तों राजस्थान की ओर से 20वां ओवर डालने के लिए आए मौके सामने स्ट्राइक पे थे दिल्ली की ओर से रोमन पोवेल। दोस्तों 6 गेंदों में चाहिए थे जीत के लिए 6 छक्के और रोमन पोवेल ने पहले 3 गेंदों पे लगातार 3 छक्के उड़ा दिए, मगर दोस्तों तीसरी गेंद नोगेंद थी जिसको एम्पायर ने नोगेंद करार नहीं दिया, जिसके बाद ऋषभ पंत ने बड़ा हंगामा किया और यहां तक बात पहुंच गई कि 5 मिनट तक इस मैच को रोकना पड़ा। इस बात को लेकर के ऋषभ पंत पर बड़ा जुर्माना लगा सकता है बीसीसीआई और सजा भी दे सकता है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कल के मैच में गलती किसकी थी, ऋषभ पंत की या फिर एम्पायर की।